हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज हम अनुक्रमण के अगले चरण में जीरो सीयर के बारे में बात करेंगे, मरु क्रमक के बारे में बात करेंगे। जीरो सीयर इज ए प्लांट सक्सेशन दैट इज लिमिटेड बाय वाटर अवेलेबिलिटी। मरुक्रमण जो होता है वो एक तरह का पादप अनुक्रमण है जो जल की उपलब्धता पर निर्भर होता है। इट इंक्लूड्स द डिफरेंट स्टेजेस इन ए ज़िराच सक्सेशन। ये इस प्रकार के जो मरु अनुक्रमण होते हैं वो उसमें विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। ज़िराच सक्सेशन ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज ओरिजिनेटेड इन एक्सट्रीमली ड्राई सिचुएशन सच एज सैंड डेजर्ट्स, सैंड ड्यून्स, साल्ट डेजर्ट्स, रॉक डेजर्ट्स एक्सेट्रा। इस प्रकार के जो मरु अनुक्रमण होते हैं वो उन इकोलॉजिकल उन पारिस्थितिक समुदायों में होते हैं जो अपेक्षाकृत शुष्क स्थानों पर पाए जाते हैं, ड्राई प्लेसेस पर पाए जाते हैं, जैसे डेजर्ट्स के अंदर, मरुस्थलों के अंदर, सैंड ड्यून्स के ऊपर, या हम कह सकते हैं रॉक्स के ऊपर, वहाँ पर हमें इस प्रकार के अनुक्रमण देखने को मिलते हैं। ए जीरो सीयर में इंक्लूड लिथोसियर्स एंड जेमोसियर्स। जो जीरो सीयर होता है, जो मरु अनुक्रमक होते हैं, वो दो प्रकार के हम यहाँ पर देखेंगे। एक तो लिथोसियर्स जो चट्टानों पर होते हैं और दूसरे जेमोसियर्स जो मृदा पर होते हैं या सैंड या बालू रेत के ऊपर होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिथोसियर की। हम बात करते हैं लिथोसियर में जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, हम सीधे उन एक एक करके उन सभी स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बेयर रॉक्स, नग्न चट्टानें, ये सबसे पहली स्टेज है। बेयर रॉक्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ग्लेशियर्स रिसीड और वोल्केनोस इरप्ट। बेयर रॉक्स या नग्न चट्टानें बनती कैसे हैं? जब कभी बड़े बड़े जो बर्फ के ग्लेशियर्स होते हैं वो पीछे हट जाते हैं या उनका जल बन करके वो बह जाते हैं, तो उनके नीचे जो चट्टानें होती हैं वो नग्न हो जाती हैं, बेयर हो जाती हैं। या कभी कभी वोल्केनो इरप्ट्स होते हैं, ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, तो वो भी चट्टानों को बेयर कर देते हैं, नग्न कर देते हैं। और इन चट्टानों पर अब काम सबसे पहले कौन प्रारंभ करता है? इरोजन ऑफ दीज रॉक्स इज ब्रॉट बाय रेन वाटर एंड विंड लोडेड विद द सॉयल पार्टिकल्स। इन चट्टानों पर अब जो वर्षा का जल है और या ऐसे जो विंड हवाएं हैं जिनमें सॉयल पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें मृदा के कण होते हैं, अब इन चट्टानों पर क्रिया करनी शुरू कर देते हैं। कैसे? द रेन वाटर कंबाइंड्स विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड दैट कॉरोड्स द सरफेस ऑफ द रॉक्स एंड प्रोड्यूस क्रिविसेस। होता क्या है कि जो वर्षा का जल होता है वो जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ मिलकर के इन चट्टानों के ऊपर विदरिंग का काम करता है, इन चट्टानों को घिसने का काम करता है। वो रॉक्स के सरफेस को, चट्टानों की सतह जो होती है उसके ऊपर छोटी छोटी दरारें जो हैं वो बना देता है। वाटर एंटर थ्रू दीज क्रेविसेस फ्रीजेस एंड एक्सपेंस टू सेपरेट बॉल्डर्स। इससे दरारों में से जो वर्षा का जल है वो अंदर चला जाता है और वहाँ पर जम जाता है। वहाँ पर ये जब जमता है तो वो चट्टानों को तोड़ देता है, छोटे छोटे बॉल्डर्स के अंदर, छोटे छोटे पत्थरों के अंदर उसको तोड़ देता है। ये जो बॉल्डर्स होते हैं वो चट्टानों में उन दरारों के थ्रू नीचे जाते हैं, विशेषतः ग्रेविटी के कारण वो नीचे, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो चट्टानों की दरारों में नीचे चले जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, कणों के अंदर रूपांतरित होने लगते हैं। Also, when the wind loaded with soil particles strikes against the rocks, it removes soil particles. और जब तेज हवाएं, जिनमें मृदीय कण होते हैं, वो इन चट्टानों के साथ टकराते हैं, तो वो वहाँ पर soil particles को छोड़ देते हैं। वो soil particles वहाँ पर रुक जाते हैं या उन soil particles के टकराने पर चट्टानों की सतह पर भी छोटे छोटे जो कण बनते हैं ये उनमें मिक्स हो जाते हैं, उनसे मिल जाते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो ग्लेशियर के सूखने से या ग्लेशियरों के पीछे हट जाने से या ग्लेशियरों के अधिक तापमान की वजह से जल बन करके बह जाने से जो चट्टानें नग्न हुई हैं या ज्वालामुखियों के इरप्शन से जो चट्टानें नग्न हुई हैं उन पर वर्षा के जल और
ऐसी हवाएं जिनमें सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्रिया होने से चट्टानों के टूट करके उनके ऊपर सॉइल पार्टिकल्स का निर्माण, पत्थरों का निर्माण, कणों का, छोटे छोटे कणों का निर्माण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। ऑल दीज प्रोसेसेस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लिटिल सॉइल एट द सर्फेस ऑफ दीज रॉक्स। अब ये जितनी भी क्रियाएं हैं उनसे होता क्या है, चट्टान के ऊपर एक मृदीय परत बननी शुरू हो जाती है। एनिमल सच एज स्पाइडर विच कैन हाइड बिटवीन बोल्डर्स और स्टोन्स इन्वेड दीज रॉक्स। अब होता क्या है कि छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे जो जानवर हैं, जैसे स्पाइडर है ना, जैसे स्पाइडर जो होता है वो इन जो दरारें बनी हैं चट्टानों में उनके अंदर छुप करके रह सकते हैं, वो इन स्थानों पर आ जाते हैं, इन स्थानों को अपना आवास बना लेते हैं। दीज एनिमल लिव बाई फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स विच हैव बीन ब्लोन इन और फ्लो। होता क्या है, ये जो स्पाइडर्स हैं ये उन चट्टानों में जब रहते हैं तो ये वहाँ पर क्या करते हैं, अपना जाला बनाते हैं, स्पाइडर वेब बनाते हैं वहाँ पर, और हवा के साथ जो इंसेक्ट आते हैं वो इन जालों के अंदर फंस जाते हैं और स्पाइडर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। वो स्पाइडर्स जो होते हैं इन्हीं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार एल्गल एंड फंगल्स वो रीच दीज रॉक्स बाय एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज। और नज़दीक के क्षेत्रों से शैवाल और कवक के जो बीजाणु होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वो भी इन चट्टानों तक पहुँच जाते हैं। किसके द्वारा, हवा के द्वारा उड़ करके। These spores grow and form symbiotic association, the lichen, which act as pioneer species of bare rock. होता क्या है कि जो ये spores वहाँ पर किसके, कवक और शवाल के जो spores वहाँ पर आते हैं वहाँ पर वो grow करते हैं symbiotic association में, वो आपस में मिल करके एक lichen बना लेते हैं और ये lichen वहाँ की पुरोगामी जाति pioneer species होती हैं, सबसे पहले उगने वाली जो जातियाँ होती हैं वो पायोनियर स्पीसीज कहलाती हैं। द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन स्टार्ट्स व्हेन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लिविंग इन द रॉक्स। तो वास्तव में अनुक्रमण कब प्रारंभ होता है, जब इस प्रकार के स्वपोषी जातियाँ चट्टानों के ऊपर ग्रो करना शुरू कर देती हैं, चट्टानों के ऊपर रहने लगती हैं। अब दूसरी आ गई बेयर रॉक्स के बाद जो दूसरी स्टेज है वो कौन सी है, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज लाइकिन स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है कि जो लाइकिन है वो उनकी अगली अवस्था आती है, सिम्बायोटिक लाइकिन से नेक्स्ट अवस्था आती है, वो कौन सी अवस्था होती है, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज लाइकिन की। फोलियोज लाइकन हम जानते हैं, फोलियोज लाइकन हैव लीफ लाइक थैलाई व्हाइल द फ्रूटिकोज लाइकिन आर लाइक स्मॉल बुशेस। जो फोलियोज होते हैं वो पत्तियों के समान दिखने वाले लाइकिन होते हैं और जो फ्रूटिकोज लाइकन होते हैं वो शब्स या झाड़ियों के समान दिखने वाले लाइकिन होते हैं। ये धीरे धीरे नीचे चट्टान की सतह पर जहाँ थोड़ी बहुत मृदा बन गई थी उस सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन यह पूरी सॉइल को कवर नहीं करते हैं। दे कैन एब्जॉर्ब एंड रिटेन मोर वाटर एंड आर एबल टू एक्यूमुलेट मोर डस्ट पार्टिकल्स। ये लाइकेन जो होते हैं ये अधिक मात्रा में जल को अवशोषित करते हैं और उसे अपने आसपास एकत्रित भी कर लेते हैं, वो जो नीचे सॉयल है उनके अंदर भी एकत्रित करना जल को शुरू कर देते हैं और डस्ट पार्टिकल्स को भी वहाँ पर, धूल के कणों को, मृदा के कणों को भी वहाँ पर रोक करके रखना शुरू कर देते हैं। देयर डेड रिमेन्स आर डिकम्पोज टू ह्यूमस विच मिक्सिस विद द सॉयल पार्टिकल्स एंड हेल्प बिल्डिंग सबस्ट्रेटम एंड इम्प्रूविंग सॉयल मॉइस्चर कंटेंट्स फर्दर। अब ये लाइकेन जो वहाँ पर फोलियोज और फ्रूटिकोज लाइकोन जो जहाँ पर बने हैं अपना जीवन चक्र पूरा करने के बाद जब मृत होते हैं तो इनका डिकम्पोजिशन होता है, इनका अपघटन होता है और इनके अपघटन होने से कार्बनिक पदार्थ नीचे सॉयल पार्टिकल के अंदर मिल करके मृदा की क्वालिटी को, मृदा की गुणवत्ता को जो है बढ़ा देते हैं और मृदा अधिक मात्रा के अंदर मॉइस्चर कंटेंट्स को रिटेन करने में सक्षम हो जाती है, मृदा के अंदर आर्द्रता की मात्रा भी बढ़ जाती है। द शैलो डिप्रेशन इन रॉक्स एंड क्रीसेस बिकम फिल्ड विद सॉयल एंड टॉप सॉयल लेयर्स इंक्रीज फर्दर। इससे होता क्या है कि धीरे धीरे जो चट्टानों पर जो दरारें बन गई थी वो भर जाती हैं और उसकी सतह पर एक टॉप सॉयल की, एक ऊपरी मृदा की परत जो है वो बन जाती है। दीज ऑटोजेनिक चेंजेस फेवर ग्रोथ एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉसेस। अब ये जो स्व परिवर्तन जो होते हैं, जो ऑटोजेनिक स्वजनित जो परिवर्तन होते हैं वो मॉसेस के लिए फेवरेबल होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल होते हैं।
तो अगली अवस्था हमारी है मॉस स्टेज, बेयर रॉक्स, बेयर रॉक के बाद लाइकन स्टेज आ गई, लाइकन स्टेज के बाद हम देखेंगे मॉस स्टेज। द स्पोर्स ऑफ जीरो फाइटिंग मॉसेस सच एज पॉलीट्राइकम, टॉर्टुला एंड ग्रीमिया आर ब्रॉट टू द रॉक वेयर दे सक्सीड लाइकन्स। होता क्या है कि निकट के क्षेत्रों से पॉलीट्राइकम, टॉर्टुला और ग्रीमिया जैसे मॉसिस के जो स्पोर्स होते हैं वो ये एक प्रकार के मृदभिदीय मॉसिस कहलाते हैं, जो अपेक्षाकृत ड्राई स्थानों पर भी ग्रो कर जाते हैं, वहाँ पर भी जीवित रह सकते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं और लाइकेन के पश्चात ये मॉस वहाँ पर उगने लगते हैं, वहाँ पर ग्रो करने लगते हैं। देयर राइजोइड्स पेनिट्रेट सॉयल अमंग द क्रिसिस एंड सीक्रेट्स एसिड्स एंड कॉरोड द रॉक्स। अब इनकी जो जड़ें होती हैं छोटी छोटी, वो नीचे जो चट्टानों की दरारें होती हैं उनको और चौड़ा करती हैं, ये विभिन्न प्रकार के एसिड को सीक्रेट करती हैं, विभिन्न प्रकार के अम्लीय जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको बनाते हैं, और जो चट्टानें होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देते हैं। एज मॉसिस डेवलप इन पैचेज दे कैच सॉयल पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर एंड हेल्प इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट। ये जो मॉसेज हैं ये उस चट्टान के ऊपर छोटे छोटे पैचेस के अंदर, छोटे छोटे खंडों के रूप के अंदर उग जाते हैं, और ये जो सॉयल जो पार्टिकल्स जो मृदीय कण जो हवा के अंदर होते हैं उनको भी वहाँ पर एकत्रित करना, उनको भी रोक करके एक मृदा की परत को बनाना शुरू कर देते हैं। द चेंजिंग एनवायरनमेंट लीड्स टू माइग्रेशन ऑफ लाइकेन एंड हेल्प्स इन्वेजन ऑफ द हर्बेशियस वेजिटेशन दैट कैन आउट कम्पीट मॉसेस। अब क्या होता है कि धीरे धीरे पर्यावरण भी चेंज होने लगता है और मॉसिस के आ जाने से जो लाइकेन्स हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, वो अब इस स्थान को खाली कर देते हैं क्योंकि तो परिस्थितियाँ अब उनके अनुकूल नहीं रहती हैं। एज मॉसिस डेवलप इन पैचेज दे कैच सॉयल पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर एंड हेल्प इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट। ये जो मॉसिस के पैचेज होते हैं ये जो मृदा के पार्टिकल्स कणों को होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे मृदा की परत धीरे धीरे चट्टानों के ऊपर मोटी होने लगती है। इस प्रकार जो पर्यावरणीय जो परिवर्तन होते हैं उसमें जो लाइकेन है वो जीवित नहीं रह सकते, उनके लिए परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती हैं। तो परिस्थितियाँ किन के लिए अनुकूल होती हैं? हर्बेशियस पादपों के लिए, हर्बेशियस वेजिटेशन के लिए, वो अब इन मॉसिस के साथ वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था को हम हार्ब स्टेज कहते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्टेज जो है, सबसे पहले हमने नग्न चट्टानों की अवस्था को देखा, हमने लाइकेन अवस्था को वहाँ पर देखा, हमने मॉसिस को देखा कि वो वहाँ ग्रो करते हैं। मॉसिस के बाद में यहाँ पर हार्ब स्टेज शाकी अवस्था शुरू हो जाती है। तो हर्बेशियस वीड्स मोस्टली एनुअल सच एज द एस्टर्स, इवनिंग प्राइम रोजेज एंड मिल्क वीड्स इनवेड द रॉक्स। धीरे धीरे जो शाकीय पादप हैं जब परिस्थितियाँ उनके अनुकूल होती हैं तो वार्षिक एनुअल जो शाकीय पादप होते हैं जैसे इवनिंग प्राइम रोजेज हैं, मिल्क वीड्स हैं, एस्टर्स हैं, वो इन चट्टानों पर उगना शुरू कर देते हैं। देयर रूट्स पेनिट्रेट डीप डाउन सीक्रेट एसिड्स एंड एंड्स द प्रोसेस ऑफ विदरिंग। इनकी चट्टानें इन ये जब चट्टानों पर ग्रो करते हैं तो इनकी जड़ें चट्टानों की दरारों में और गहरे चले जाती हैं, जिससे रॉक्स के विदरण की जो क्रिया होती है, जो चट्टानों के भुरने की जो क्रिया होती है, उनके पत्थरों का छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलने की जो क्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है। और क्या होता है उसके पश्चात कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें चट्टानों के जो कण हैं वो और अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं और सॉयल की क्वालिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। लीफ लिटर एंड डेप्थ ऑफ द हर्ब्स एड ह्यूमस टू द सॉयल। अब जब ये शाकीय पादप होते हैं इनकी पत्तियाँ सूख करके गिरती हैं, जब शाकीय पादप स्वयं मृत होते हैं तो इनके अपघटन से ऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, जिससे मृदा के ऊपर ह्यूमस की लेयर बनने लगती है। शेडिंग ऑफ सॉयल रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द इवेपोरेशन एंड देर इज ए स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब शाकीय पादप वहाँ पर ग्रो करते हैं तो वहाँ पर चट्टानों की जो सॉयल की परत है उनके ऊपर छाया पड़ने लगती है और डिक्रीज इन इवेपोरेशन, तो धीरे धीरे इवेपोरेशन की दर को भी कम होने लगती है और तापमान थोड़ा सा वहाँ पर बढ़ने लगता है। एज ए रिजल्ट जीरी कंडीशन बिगिन टू चेंज एंड बाइनियल एंड पेरिनियल हर्ब्स एंड जीरी ग्रासेस सच एज एरिस्टिडा एंड पुआ बिगिन टू इनहेबिट। तो क्या होता है कि जब ये परिस्थितियाँ बदलती हैं
तो वार्षिक शाकीय पादपों से धीरे धीरे द्विवर्षीय बहुवर्षीय प्रकार के जो शाकीय पादप हैं, जो मरु घास जो होती है जैसे एरिस्टिडा है, पुआ है, वो वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दीज क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल पॉपुलेशंस रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन डिकम्पोजिशन एक्टिविटी। होता क्या है कि इन स्थानों के ऊपर अब परिस्थितियाँ जो है वो परिवर्तित होती हैं, वो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं या हम कह सकते हैं कवक जो होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए अनुकूल होती हैं, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन डिकम्पोजिशन एक्टिविटीज़। तो वो धीरे धीरे अपघटन की मात्रा जो होती है, अपघटन की क्रिया जो होती है उनको तेज कर देते हैं और मृत होते हुए जो शाकीय पादप हैं उनको तेजी से अपघटन करके ऑर्गेनिक पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को वहाँ पर बढ़ा देते हैं। अब ये जो मृदा वहाँ पर बन जाती है वो शब स्टेज के लिए, वो शुभ अवस्था के लिए अनुकूल होती है, तो हमारी अगली जो अवस्था है वो शब स्टेज कहलाती है। ये जो शुभ अवस्था होती है इनमें हम देखते हैं कि शाकीय पादप, घासीय पादप, इनके साथ साथ रस और फाइटोकार्पस जैसी जो झाड़ियां हैं वो यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देती है। अर्ली इन्वेजन ऑफ शब इज स्लो बट वंस ए फ्यू बुशेज हैव बिकम एस्टेब्लिश्ड बर्ड्स इन्वेड द एरिया एंड हेल्प डिस्पर्स स्क्रब वीड्स। होता यह है कि धीरे धीरे जब प्रारंभ में शुभ जातियाँ यहाँ पर ग्रो करती हैं तो उन धीरे धीरे आती हैं वो, लेकिन धीरे धीरे जब वो एक बार स्थापित हो जाती हैं तो उनकी संख्या भी बढ़ने लगती है। बर्ड्स इत्यादि जो होते हैं वो उनके बीजों को और वहाँ पर लेकर के आते हैं, वो इस एरिया को अपना हैबिटेट आवास बनाते हैं और वो इनके जो बीज होते हैं उनको दूर दूर तक वितरित कर देते हैं। द रिजल्ट इन डेंस स्क्रब ग्रोथ शेडिंग द सॉयल एंड मेकिंग कंडीशन अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हर्ब विच देन बिगन टू माइग्रेट। तो होता यह है कि जब वहाँ पर बहुत बड़ी झाड़ियाँ उग जाती हैं, एक प्रकार से वो शुभ क्षेत्र बन जाता है, शब वहाँ पर बन जाती हैं, तो वो सॉयल को और अधिक शेड छायाकारी बना देती हैं और ये अवस्था जो होती है वो छोटे छोटे शाकीय पादपों के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि बड़ी झाड़ियों की जो शेड, जो छाया वहाँ पर पड़ती है तो उनको शाकीय पादपों को पूरी सनलाइट, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो परिस्थितियाँ उनके लिए क्या होती हैं, प्रतिकूल हो जाती हैं और धीरे धीरे शाकीय पादप भी वहाँ से माइग्रेट करने लगते हैं, दूसरे स्थानों पर जाने लगते हैं। द सॉयल फॉर्मेशन कंटिन्यूज एंड इस मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज। तो इस प्रकार जो मृदा जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और उसके अंदर आर्द्रता की मात्रा भी बढ़ती रहती है। अब आती है ट्री स्टेज। चेंज इन एनवायरनमेंट फेवर्स कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्री स्पीसीज। अब वातावरण में ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं कि जो अवस्थाएं हैं वो वृक्षों के उगने के लिए भी अनुकूल हो जाती हैं। द ट्री सैपलिंग्स बिगिन टू ग्रो अमंग द स्क्रब्स एंड एस्टेब्लिश देमसेल्फ। छोटी छोटी जो सीडलिंग्स होते हैं वृक्षों के, वो झाड़ियों के बीच बीच में उगते हैं और खुद को वहाँ पर स्थापित कर लेते हैं। द काइंड ऑफ ट्री स्पीसीज इनहेबिटिंग द एरिया डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉयल। अब किस प्रकार की वृक्ष जातियाँ वहाँ पर विकसित करेंगी वो किस पर निर्भर करता है, वहाँ पर किस प्रकार की सॉयल बनी है, किस प्रकार की मृदा बनी है ये उस पर निर्भर करता है। तो जिस प्रकार की मृदा वहाँ पर बनती है उसके अनुकूल वृक्ष की जातियाँ जो होती हैं वो वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देती हैं। इन पुअरली ड्रेन सॉयल ऑक्स एस्टेब्लिश देमसेल्फ। उदाहरण के लिए ऐसी अगर मृदा वहाँ पर बनती है जहाँ जल जल्दी से ड्रेन नहीं होता, जल जल्दी से दूर बह करके दूर नहीं जाता, वहाँ पर जैसे ओक वृक्ष जो होते हैं वो ग्रो करना प्रारंभ कर देते हैं। द ट्रीज फॉर्म कैनोपी एंड शेड द एरिया। शेड लविंग स्क्रब कंटिन्यू टू ग्रो एज कैन डी वेजिटेशन। जब ये वृक्ष बड़े हो जाते हैं तो इनके जो शिखर होते हैं, जो इनके शीर्ष होते हैं वो नीचे और छाया प्रदान करते हैं, सूर्य के प्रकाश को रोक लेते हैं, तो अतः जो छाया प्रिय जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी भी संख्या जो है बढ़ने लगती है, तो वो सेकेंडरी वेजिटेशन के ऊपर द्वितीयक वनस्पति के रूप में वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, अर्थात वृक्षों के साथ साथ नई झाड़ी जातियाँ जो छाया प्रिय होती हैं वो भी वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देती हैं। लीव लिटर एंड डिकिंग रूट्स वेदर द सॉयल विदर द सॉयल फर्दर एंड एड ह्यूमस टू इट मेकिंग द हैबिटेट मोर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ टू द ट्रीज। जो सूखी हुई पत्तियाँ जो होती हैं उनका जो कचरा होता है या डिकिंग रूट्स जो अपघटनकारी जो जैसे बैक्टीरिया हैं या फंजाई है उनके द्वारा जो जड़ें
अपघटित होती रहती हैं, उनसे मृदा की विदृंगी क्रिया और आगे चलती रहती है और छोटे छोटे कण बनते रहते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से मृदा जो है वो वृक्षों के अधिक अनुकूल होती रहती है। मॉसिस एंड फर्न्स मेक देयर अपीयरेंस एंड फंजाई पॉपुलेशन ग्रो अबंडेंटली। अब छाया के अंदर क्या होता है, तापमान थोड़ा सा कम होता है तो वहाँ पर मॉसिस की जातियाँ हैं, फर्न्स की जातियाँ हैं, वो वहाँ पर उगने लगती हैं। इसके साथ साथ फंजाई पॉपुलेशन कवक, विभिन्न प्रकार के कवक जातियाँ को लिए भी यह अवस्था जो होती है वो अनुकूल होती है और वो भी वहाँ पर अधिक मात्रा में ग्रो करने लगती हैं। क्लाइमेक्स स्टेज, अब चरम अवस्था आती है। द सक्सेशन कल्मिनेट्स इन ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी। धीरे धीरे अनुक्रमण अंततः अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाता है। और चरम अवस्था अब क्या होगी, जब बहुत सारे वृक्ष, मॉसिस, फर्न्स, छाया प्रिय झाड़ियाँ वहाँ पर लग गई तो ये एक जंगल का रूप ले लेते हैं। मैनी इंटरमीडिएट ट्री स्टेजेस डेवलप प्रायर टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी। वृक्षों की बहुत सारी जातियाँ बीच इंटरमीडिएट ट्री स्पीसीज भी यहाँ पर ग्रो करती हैं। तो धीरे धीरे उस वातावरण के, इस प्रकार जो विकसित हुआ वातावरण, उसके अनुकूल जो पादप जातियाँ होती हैं, जो वृक्ष जातियाँ खास तौर पर हम कहेंगे जो वहाँ पर होती हैं, वो एक प्रकार से डोमिनेंट स्पीसीज बन जाती हैं, प्रभावशाली जातियाँ बन जाती हैं और वो अधिकतर उस स्थान को घेर लेती हैं और एक पूरा जंगल का निर्माण कर देती हैं। यह जंगल वहाँ की जो जलवायु व्यवस्थाएँ होती हैं उन पर निर्भर करता है। तो जिस प्रकार का क्लाइमेट होता है उस प्रकार का फॉरेस्ट वहाँ पर डेवलप हो जाता है। अर्थात अगर ट्रॉपिकल कंडीशन वहाँ पर हैं, अधिक मात्रा में हैं, तो डेसिडुअस प्रकार के फॉरेस्ट वहाँ पर विकसित हो जाएंगे। और अगर हम कहते हैं कि वहाँ पर टेम्परेट प्रकार की कंडीशंस हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एवरग्रीन प्रकार के फॉरेस्ट देखे जाते हैं। तो जिस प्रकार की जलवायु व्यवस्थाएँ होती हैं उस प्रकार के जंगल जो हैं वो चरम अवस्था के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि लिथोसियर जो होता है, जो चट्टानों का अनुक्रमण जो होता है वो क्या होता है उसमें, कि एक बेयर रॉक से, एक नगम चट्टान से पूरा का पूरा विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए एक जंगल बन जाता है। तो यह चट्टान अनुक्रमण जिसे हम कहते हैं वो है। थैंक यू सो मच।